हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 बता रही हूँ। ठीक है, 3.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और प्लीज़ इंट्रोडक्शन जरूर देखो, इंट्रोडक्शन देखने से आपकी जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिखा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट है, वॉट इज द नेम ऑफ द हॉरिजोंटल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो हम यही अपने आंसर में लिख देंगे। एक तो हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दूसरी वाली हो गई वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड बिट में पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो एक तो वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल, जब दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है तो क्या बना रही है, चार क्वाड्रेंट बना रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या बना रहा है, क्वाड्रेंट्स बना रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट्स, क्यू यू ए डी आर ए एन टी एस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पूछता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। वो पॉइंट हमें बताना है जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो फिर देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों कहाँ पर कर रही है, ओ पर कर रही है, और ओ क्या है, इसका ओरिजन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओरिजन। ठीक है, ओरिजन। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। यहाँ पे दे रखा सेकंड क्वेश्चन में सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। इसने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर करती जाऊँगी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमसे पूछा, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ कहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है बी कहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये डी एक्स सी ओ एल बी, ये रहा। ठीक है, कहाँ पर है, ये वाला है बी। अब इसके इसने हमसे कोऑर्डिनेट पूछे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो पहले तो हर हाल में हमें क्या लिखना है, एक्स एक्स। तो एक्स एक्सिस का कितना आ रहा है, माइनस फाइव, कितना आ रहा है, माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से क्या जा रहा है, टू। तो क्या हो गया इसके कोऑर्डिनेट, माइनस फाइव एंड टू। क्या लिख देंगे, माइनस फाइव एंड टू। ये फर्स्ट बिट का आंसर है, माइनस फाइव एंड टू। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमने निकाल दिए। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी में हम देखेंगे अब सी कहाँ पर है, सी ये रहा। ठीक है, सी हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस का लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे कितना दिखा रखा है, फाइव। फिर हम जाएंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये कितना है, माइनस फाइव। तो इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो गए, फाइव एंड माइनस फाइव। क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स, फाइव एंड माइनस फाइव। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर देखो थर्ड वाले में हमसे क्या पूछ रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री और माइनस फाइव, माइनस थ्री और माइनस फाइव। देखो ये रहा, ये तो माइनस थ्री और ये माइनस फाइव है। तो माइनस फाइव और माइनस थ्री कोऑर्डिनेट उसने हमसे पूछा है, नहीं उसने पूछा माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। तो देखो यहाँ पर है ये माइनस थ्री और ये माइनस फाइव, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ई हो गया ना। पहले एक्स को लेंगे उसके बाद हम वाई को लेंगे, तो ये हो गया हमारा ई, ई पॉइंट को ये डिनोट कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ई, क्या लिखेंगे, ई। थर्ड वाले का आंसर हो गया ई। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो क्या पूछ रहा है, फोर्थ में पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स माइनस, अच्छा ये तो थर्ड वाला है, हाँ ठीक है थर्ड वाला तो हम कर चुके हैं, फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ में क्या पूछा उसने, फोर्थ में पूछा द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट टू माइनस फोर। किसका पूछ रहा है, टू माइनस फोर का हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स पे चलो टू तो ये रहा और माइनस फोर इस साइड पे, तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या दे रखा है, जी। ठीक है,
इस पॉइंट का नाम क्या है, जी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ वाले आंसर में जी, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाले में क्या पूछा उसने, फिफ्थ में हमसे पूछा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा याद है ना, एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे, तो डी पे हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। डी देखो, डी कहाँ पे लिख रखा है, ये रहा, ठीक है, और ये हमारा एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है ना, तो हम क्या लिख देंगे, 6, ठीक है, इसको लिख देंगे हम 6। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई एक्सिस का जो वो होगा, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू, और इसे बोलेंगे वाई एक्सिस की वैल्यू, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो पॉइंट एच पे पहुंच जाओ, पॉइंट एच ये रहा, ये तो एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, तो वाई पे कितना आ रहा, -3, तो ये हमारी वैल्यू हो गई -3, कितना, -3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या पूछ रहा हूँ हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के उसने हमसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो अब हम डायग्राम पे देखते हैं एल कहाँ पे लिख रखा है, ये एल ये लिख रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वाई कितना है, 5, तो क्या लिख दोगे, 0, 5, क्या हो जाएगा आंसर, 0, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो अब इसका लास्ट पॉइंट में क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एम देखेंगे, एम पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये किस पर है, एम पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कितना दे रखा है ये, -3, और वाई तो इसका है ही नहीं, है ना, वाई तो इसका है ही नहीं, तो हम क्या बोल देंगे इसको फिर, -3 और 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, -3 और 0। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, फॉलो जरूर कर दें प्लीज़।